तो ये देखिए मैं क्रॉस करता हुआ आपका सिंगापुर मलेशिया से सिंगापुर, और ये रहा पीछे, ये रहा आपका मलेशिया और सामने आपका सिंगापुर। क्रॉस करते हुए हम आपका इंटरनेशनल बॉर्डर का काल करते हुए मलेशिया टू सिंगापुर, नो मैन्स लैंड। झूले के कौन बकचोदी भरे वीडियो में आपका स्वागत है, और आज छुट्टी का दिन है, तो जैसा कि एक गाना सुना होगा आपने अभी, ये छुट्टी है आई चलो नया मुल्क ढूंढें ओ मेरे भाई, और टाइटल से भी थोड़ा आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आज हम जा रहे हैं एक दूसरे मुल्क में। सिंगापुर में हैं फ़िलहाल हम, और आपको दिखाते हैं कि आप अगर सिंगापुर में रह रहे हैं दूसरे मुल्क जाना है आपको तो किस तरह से जाना है। फ़िलहाल मैं जहाँ रहता हूँ उससे नियरेस्ट एम आर टी जा रहा हूँ, मेट्रो स्टेशन बेसिकली, और वहाँ से मेट्रो लूँगा। और जी हाँ, हम जा रहे हैं आज मलेशिया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं पहुंच गया हूं आपका उस वाले मेट्रो स्टेशन पे जिसके सामने निकल के आपका मैं बस लेने वाला हूं, 170 नंबर की, अंग्रेजी में बोलेंगे तो 170, और ये बस आपकी जाएगी टुवर्ड्स दी बॉर्डर ऑफ मलेशिया, और जो बॉर्डर का नाम कहते हैं वो है आपका वुडलैंड चेक पोस्ट। तो बस लेता हूँ और फिर आपको मैं इसमें कंटिन्यू रखता हूँ इस वीडियो को। बोटानिक गार्डन्स मेट्रो स्टेशन, अगर आपको सामने दिखाई पड़ा हो तो वो बस स्टैंड है जहाँ से मुझे बस ले रहा हूँ 170 नंबर की, और जो लिखा हुआ था कि लगभग हर 15 मिनट पे आपकी वो बस है, तो शायद तक 10-15 मिनट वेट करना पड़ेगा आपको बस के लिए। और ये रहा आपका बस स्टैंड जहाँ से 170 नंबर की बस। काफ़ी सही सा मौसम हो रहा है, अगर आप देखें हल्के हल्के बादल, ज़्यादा धूप नहीं जो कि यूजुअली आपका सिंगापुर में हो जाता है कि काफ़ी दोपहर का टाइम हो रहा है तो काफ़ी धूप हो जाती है, उस मामले में काफ़ी सही मौसम है आज बाहर घूमने के लिए। और मैंने गूगल मैप्स पे देखा था जो टाइम दिखा रहा था वो लगभग आपका 35 मिनट है यहाँ से आपका चेक पॉइंट पहुँचने का। एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया, अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो देखिए खाली हाथ, बिना बैग, बिना झोला, कुछ नहीं, और हम एक नए मुल्क में जाने को तैयार हैं। जी हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है जब आप ऐसे छोटे से देश में रह रहे होते हैं, बिल्कुल बॉर्डर साइड में रह रहे होते हैं, तो आप कहते हैं ना उसे मुँह उठा के पहुँच जाइए आप दूसरे मुल्क में, तो वैसे कुछ आज हम भी वैसे कुछ करने वाले। और आपको बताऊँगा कि एग्जैक्टली और क्या डॉक्यूमेंट, बेसिकली कुछ नहीं चाहिए आपको, आपको एक पासपोर्ट चाहिए आपका खुद का देसी पासपोर्ट, और उसमें मलेशियन वीज़ा लगा होना चाहिए, और दैट इज़ इट, और उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। बस चलिए वेट करते हैं 170 नंबर का और फिर आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। लीजिए मैं बस में बैठ गया, जो मैंने बोला था कि आपको 170 नंबर की बस है, और लगभग 19 किलोमीटर की यात्रा है ये, जिसमें आपको आधे घंटे लगेंगे। पता नहीं जब एंटर कर रहे थे तो पता नहीं क्यों ये आपका कैमरा ऑन नहीं हुआ, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया कि कब ये बस आई। तो एक चीज़ और जो मुझे अपडेट करना था कि अगर आप सिंगापुर में ट्रैवल कर रहे हैं तो होता क्या है कि अगर आपको बस के
जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैं बस से उतर गया हूँ वुडलैंड स्टेशन करके। अब मैं जो वॉक कर रहा हूँ आपका वो है वुडलैंड ट्रेन चेक पॉइंट। थोड़ा 5-10 मिनट का वॉक है, थोड़ी सी बारिश हो गई इसलिए थोड़ा सा क्लम्सी हो जाता है, बट हाँ आपको जब चीज़ें ठान ली हैं आपको क्रॉस करना है तो क्रॉस करना है, तो थोड़ा वॉक करना पड़ा है। प्रॉब्लम क्या है कि देख रहे हैं कोई भी चीज़ वाटरप्रूफ नहीं है मेरे पास, और पासपोर्ट मेरे जेब में है। तो ये चीज़ है जो कि कभी कभी आपको प्रिकॉशन लेना पड़ सकता है कि अगर आपको ऐसा मौसम लग रहा है तो उसको किसी पॉलीथीन वगैरह में पैक करके रख के चलिए, क्योंकि बारिश का कोई भी संभावना कभी भी हो सकती है यहाँ पर। मैंने आपका इमिग्रेशन कर लिया है और वहाँ पर एक्चुअली में वीडियो या फोटो लेना अलाउड नहीं था, तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पर कुछ कर नहीं सकते हो। और फिर मैं बाहर निकला हूँ और फिर से मैंने बस लिया है जो कि आपका मलेशियन चेक पोस्ट ले जाएगी, और फिर से आपको इमिग्रेशन वहाँ पर करना पड़ेगा। तो बारिश हो गई है, मौसम काफ़ी सही सा हो गया है। जो हम एंटर करते हुए आपका मलेशिया, हम पहुँच गए आपके मलेशिया के अराइवल प्लेटफॉर्म पे। ऑब्वियसली आगे चल के फिर से कुछ रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं होगी तो मैं इसको बंद कर दूंगा, लेकिन आपको दिखा देता हूँ एक बार मैं अराइवल प्लेटफॉर्म। मलेशियन पासपोर्ट चलिए बंद करता हूँ क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होगी। लीजिए मैंने इमिग्रेशन यहाँ का क्लियर कर लिया है, और ऑब्वियसली वहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता हूँ इसलिए। और लेकिन सरप्राइजिंगली आज अगर आप देख रहे हो कि जैसे मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि बहुत रश होता है, वैसा अभी फ़िलहाल कुछ नहीं, खाली पड़ा है पूरा। संडे का दिन है मे बी, पता नहीं, बट सरप्राइजिंग है। बहुत लोगों ने बोला था कि वीकेंड पे मत आइए, तो आप देख सकते हैं कि हाँ क्या कहते हैं, अब हम पहुँच चुके हैं आपका मलेशिया। वेलकम टू मलेशिया। शायद तक जब आ रहा था तो मैंने बोल दिया था कि उस तरफ से रश कम था, लेकिन अभी अगर आप मेरे को दिखा पा रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और लगभग मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा इसको क्लियर करने में। ये देखें, ये है आपका जब आप मलेशिया से सिंगापुर क्लियर कर रहे हैं भाई साहब, कुछ ज़्यादा ही लंबी लाइन है। एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, पहले मैंने वॉक ऑन दिस, ओके विच वे स्ट्रेट, येलो लाइन दैट साइड, गो इन द साइड, ओके सर, थैंक यू सर। मैं फिलहाल हूँ आपका मलेशिया साइड में, और मैंने कुछ क्या नहीं देता पता, इससे आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बाइक निकल रही है। तो मैं ये बताता हूँ कि मैंने जाते समय मैंने तो 170 नंबर की बस ली थी, लेकिन आते समय मैंने क्या किया कि मैं पैदल ही वॉक कर रहा हूँ। ये देखिए, मैं फ़िलहाल हूँ आपका मलेशिया साइड में, और ये बेसिकली आपका नो मैंस लैंड। अगर आप ये देख लीजिए, व्यू देखिए, ये बीच में अगर आपको एक हल्का सा पत्थरों का स्ट्रेच दिख रहा होगा उसे क्रॉस करते ही आपका सिंगापुर आ जाएगा। तो फिलहाल पैरों से वॉक करते हुए हम मलेशिया से आपका सिंगापुर की तरफ, और ये आप खुद भी कर सकते हो, आपको बस लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने थोड़ा पता किया, एक बार अगर आप मलेशिया में अपना इमिग्रेशन क्लियर कर लो उसके बाद या तो आप बस ले सकते हैं, या फिर आप इस तरह से मेरी तरह खाली हाथ झोला उठा के बैग बिना कुछ लिए हुए
आप वॉक कर सकते हैं सिंगापुर की साइड में। तो ये देखिए मैं क्रॉस करता हुआ आपका सिंगापुर मलेशिया से सिंगापुर, और ये रहा पीछे, ये रहा आपका मलेशिया और सामने आपका सिंगापुर। क्रॉस करते हुए हम आपका इंटरनेशनल बॉर्डर का काल करते हुए मलेशिया टू सिंगापुर, नो मैंस लैंड। सनसेट हो रहा है बिल्कुल, या बहुत तेज़ बाइक चली, मतलब मेरी लग रहा है ऐसे कि टोपी उड़ जाएगी, लेकिन हाँ। और किसी ने तो बताया कि जैसे सामने आप ये जो दो पोल देख पा रहे होंगे, ये बेसिकली डिफाइन करता है आपका बाउंड्री मलेशिया और सिंगापुर के बीच में। तो उसके बियॉन्ड जो है वो आपका सिंगापुर है, और इससे पहले जितना भी आप ये है वो मलेशिया है। मैंने पहले सोचा था कि इस वीडियो को वहीं पे मलेशिया की धरती से विराम दूंगा, लेकिन इस वीडियो को मैं नो मैंस की धरती से विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगली बार आपको एक और नए सफरनामे पे, तब तक घूमिए आवारा।